आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। शहर के श्रीरामपुर स्थित जिज्ञासा समाज कल्याण सेवा समिति रायसेन में गुड हेल्थ फॉर गुड वर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं दिव्यांग बच्चों द्वारा कई रंगारंग संस्कृति प्रोग्राम की रोचक प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। इंटीग्रेट कंपनी मध्य प्रदेश द्वारा जिज्ञासा समाज कल्याण सेवा समिति श्रीरामपुर के लिए किए जा रहे कार्यों को देखते हुए व जिज्ञासा घरौंदा केंद्र के सदस्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर संसद सदस्यों के लिए वाटर प्यूरिफायर प्लस वाटर कूलर, क्लासरूम के लिए बेंच डेस्क व सभी सदस्यों के लिए मेडिकल टेस्ट की व्यवस्था की गई, जिसके आभार स्वरूप जिज्ञासा अध्यक्ष मुकेश ठाकुर द्वारा गुड हेल्पर गुड वर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर अरविंद दुबे, जिले के क्षेत्र में विशेष अतिथि के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन पीसी शर्मा, मुकेश कुमार गोयल तथा विशेष अतिथि के रूप में मनोज बाथम, उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग रायसेन कुशल पांडे, सरोज कुमार, मोहित गौर उपस्थित रहे। कलेक्टर अरविंद दुबे का फूलों के गुलदस्तों से स्वागत दिव्यांगजनों के द्वारा तिलक लगाकर किया गया। दिव्यांगजनों के द्वारा एक से बढ़कर एक रंगारंग बसंकृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। मुख्य अतिथि कलेक्टर दुबे द्वारा दिव्यांगों के मनोबल व उत्साह को बढ़ाया गया, साथ ही सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दिव्यांगों को भेंट की गई। सभी अतिथियों ने दोपहर का भोजन दिव्यांगों के साथ साथ संस्था भवन में ही किया। अतिथि की विदाई स्वरूप दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए गमलों में पौधे लगाकर दिए गए धीरज कुशवाहा ने विशेष योगदान दिया। अध्यक्ष संस्था संचालक मुकेश ठाकुर ने माना आभार, संचालन डाली साहू ने किया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रायसेन से शिवलाल यादव की रिपोर्ट। निर्मल खान साहब, मिस्टर मुकेश कुमार गोडगुई जी, मिस्टर कुशल पांडे जी, मिस समृद्धि गोगोई जी, सरोज कुमार जी, मोहित, सबसे पहले तो मैं आप सबको जिला प्रशासन की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे आप सब जानते हैं कि रायसेन ज़िले में मध्य प्रदेश का जो नंबर दो का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है मंडीदीप, वो है, और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो सीएसआर फंड में एक पकड़ो ना यार अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं। परंतु मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इस संस्था को चुना जो वाकई जो प्रत्यक्ष को प्रमाण कह वाली बात है कि हम सब देख रहे हैं कि निःशक्तजनों के लिए, हमारे विशिष्ट बच्चों के लिए कितनी तल्लीनता से काम कर रही है। और आपने जो यहाँ डोनेशन दिया है, चाहे वो वाटर कूलर हो, चाहे वो बच्चों के पढ़ने के लिए कुर्सी टेबल हो, होता होगा कि उनके बच्चों के लिए जिस तरह की सुविधाएं और जिस तरह के यहाँ शिक्षा और सीखने के तरीके में इन्वॉल्व किया जाता है। और अभी भी एक अंकित बच्चे ने यहाँ पर अपनी अपने विचार रखे, उससे निश्चित रूप से यह स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में सभी बच्चे यहाँ एक